ज्यादातर मेन आर द वंस दैट चेज एंड वुमेन आर द वंस दैट चूज. और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे होती है कि अगर हम चेज करते हैं बहुत ही ज्यादा तो वहां पे लड़कियों का अट्रैक्शन कम हो जाता है बिकॉज बहुत सारे लड़के वैसे ही उनको हमेशा चेज कर रहे हैं. और अगर हम बिल्कुल भी चेज नहीं करते, हम बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते, बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं देते, तो वहां उनका इंटरेस्ट फिर से लूज हो जाता है और उन्हें लगता है ये बंदा हमें इंटरेस्टेड ही नहीं. अगर ये जो पावर डिफरेंशियल है हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट फॉलिंग इन टू द कैटेगरी कि यार वो लड़की एकदम इंटरेस्ट खो ही दे हमें या फिर हम इतने ज्यादा चेप हो जाए कि तब वो वहां पे हमारे से टर्न ऑफ हो जाए. इस वीडियो में हम उसके बारे में बातें करने वाले हैं एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 प्रैक्टिकल टिप्स, 5 टैक्टिक्स जो तुम यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में टू स्विच द पावर डिफरेंस, जहां पे तुम चेज करने की जगह तुम भी एक पोजीशन में आ जाओ कि तुम चूज करो और लड़की तुम्हें चेज करे. Hey, what's up guys? Welcome back to another video. मेरा नाम क्षितिज है और आप देख रहे हैं आयरन मैन लाइफस्टाइल. यहाँ हम आपको सिखाते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, अपने अपनी सोशल स्किल्स कैसे बेटर करनी है एंड जनरली अपनी डेटिंग लाइफ बेटर कैसे करनी है. आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ चेजिंग के बारे में और पार्ट डिफरेंशियल कैसे तुम्हें चेंज करना है. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यहाँ पे वुमेन होल्ड द पावर चूज करने का और हमें लड़कों को चेज करना होता है बिकॉज दे कंट्रोल सेक्स ऑलराइट, व्हिच बिकम्स द नंबर वन फैक्टर जहाँ पे एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग के स्टेजेस में वुमेन होल्ड ऑल ऑफ द पावर. जैसे ही वो पॉइंट आता है द सेक्स स्टेज कम्स वेयर द सेक्स इज Now, वो लड़की अपने एंड पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है because now she's invested and वो एक physical connection भी वहाँ पे बिल्ड हो गया है. अगर हम evolutionary psychology की बात करें यहाँ पे तो जब earlier long back days में before condoms and everything weren't invented and in the caveman time, उस time पे when women used to have sex, that would generally lead to pregnancy, alright? और अगर कोई भी woman if she gets pregnant, then she's stuck with the baby for 20-21 years. And इसीलिए whenever she's having sex with someone या whenever she's aligning with the person, she needs to be very sure कि ये बंदा off value है, कि इस बंदे में वैल्यू है, ये बंदा बढ़िया है, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है दैट अ ट्रेडिशनल मैन इज सपोज्ड टू डू. सेकंडली उधर ये होता है दैट शी नीड्स टू बी श्योर कि ये बंदा कमिट भी कर रहा है यहां पे. ऐसा नहीं है कि वो बस लाइक ही इज गोना कम इन नॉक हर अप गेट अ प्रेग्नेंट एंड देन गो अवे एंड लीव हर एंड देन नेवर बी सीन अगेन. और अगले एटलीस्ट 18 से 21 साल तक उसको उस बच्चे को बड़ा करना पड़ेगा. दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज. प्लस उसके ऊपर से जो सोसाइटल प्रेशर आता है वहां पे जो यू नो शेमिंग होती है दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज. एंड ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हार्डवायर हो चुका है हमारे जेनेटिक्स में, हमारे बिहेवियर में, बिकॉज वुमेन हैव अ लॉट टू लूज. इसीलिए वो किसी की भी साथ जाके सेक्स नहीं करते हैं एंड मैन हमें कुछ ज्यादा जाता नहीं है वहां पे बिकॉज वी आर नॉट द वन जो प्रेग्नेंट हो रहे हैं. तो इसलिए लड़कियों को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए वो जो सेक्सी बात होती है दे नीड टू प्रोटेक्ट इट मोर एंड रादर देन यू नो हैव सेक्स विद एवरीवन एल्स बिकॉज सो रेपुटेशन भी डाउन होता है एंड देन पीपल डू नॉट यूजुअली लुक एट वुमेन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इफ दे हैव स्लेप्ट अराउंड विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज. इट्स नॉट द राइट थिंग. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे होना चाहिए हमेशा बट ये ऐसा होता आ रहा है. सो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको मानते हैं एंड नाउ लेट्स मूव अहेड with the theme of the video. Till the time sex happens, women are in control और उनके पास बहुत power होता है. उसके बाद थोड़ा सा वो power dynamic ना थोड़ा shift होने लगता है and sort of equal level पे वो आ जाता है. इस video में मैं तुम्हें बताऊंगा कि even sex के पहले how do you have some of the power? You're never gonna have all of the power because women will control all of the power in the relationship शुरू में at least. But how do you have some power कि तुम्हारी थोड़ी सी वहाँ पे choice आ जाए and you differentiate yourself from other men. 5 strategies, let's go. Number 1 is qualify her and screen her. इसका मतलब कि जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो उसको इसी बात के ऊपर उसको टेंशन मत दो कि बस वो सुंदर है. उसके ऊपर से ऑल्सो सी वॉट काइंड ऑफ पर्सन शी इज. लाइक लड़कों के साथ होता है हम जब भी एक बहुत सुंदर सी लड़की देखते हैं हमें लगता है यार इसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए और ये मेरी सोलमेट है, इसको जिंदगी भर प्यार करूंगा मैं इसी के साथ रहूंगा एंड आई वॉन्ट स्टार्ट अ फैमिली विद हर. दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. तुम्हें क्या करना है तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी भी जाननी है. अभी तो तुमने बस देखा ही है राइट. यू डोंट नो वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज. अगर तुम्हारा कनेक्शन बैठने वाला है या नहीं, अगर तुम्हारी चीज में सिमिलैरिटीज है या नहीं है, तुम्हारे इमोशंस कैसे हैं उस टाइम पे. All right, and if you like other things or not, do you like being around her? You not like being around her? जब तुम long term में, long duration में एक साथ रहते हो, तो काफी सारी चीजें वहाँ पे बाहर आती हैं. You know, another thing that's more important is you find out कि तुम्हारी sexual compatibility कितनी है, तुम्हारी emotional compatibility कितनी है, क्या तुम्हारी intimacy है वहाँ पे, and what you want in a relationship, क्या वो लड़की provide कर पा रही है, या तुम साथ में क्या वो build कर पा रहे हो या नहीं. सो ये फिगर आउट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे और इसलिए एक नेचुरली स्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ यू अ गाय हु इज मोर इमोशनली सिक्योर, हु इज मोर स्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड इन अ सेंस कि वो बहुत ज्यादा नीडी नहीं होते बात करते हुए, तो वहां पे तुम जनरली अबंडेंस माइंडसेट से आते हो और तुम नेचुरली स्क्रीन करते हो. जैसे अब मेरे को इतनी आदत हो गई है स्क्रीन करने की, बट पहले मैं स्क्रीन नहीं करता था. पहले ऐसा होता था बिकॉज उस टाइम पे हम बहुत डेस्परेशन स्कैसिटी में थे कि कोई भी लड़की मिल जाए यार हम खुश हैं. आई वांट टू शेयर विद यू 4-5 एग्जांपल्स जिसमें आई स्क्रीन पीपल जो मैं
उनसे बातें करता हूँ. सो वन इज लाइक यू नो बात करते हुए आई जनरली से समथिंग लाइक आई मीन आर यू स्मार्ट लाइक वुड यू से यू आर स्मार्ट. देन अनदर थिंग आई आस्क इज व्हाट डू यू लाइक डूइंग फॉर फन. सो उससे मैं देख सकता हूँ कि उसको क्या पसंद है करना. लाइक इज शी अ गर्ल जिसको बस पार्टी करके ड्रिंक करना और मतलब बस ड्रग्स करना पसंद है और डज शी हैव अदर थिंग्स एज वेल. मे बी शी इज इनटू फिटनेस या डांस और समथिंग लाइक दैट. अनदर वे आई लाइक टू डू इट इज आई लाइक टू आस्क व्हाट डज शी डू फॉर वर्क और व्हाट स्कूल इज शी फ्रॉम बिकॉज देन उससे मेरा वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत सिमिलर होता है. सो इफ आई एम मीटिंग समवन जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एंड शी फ्रॉम दिस सिमिलर सर्कल या फिर उसकी अपब्रिंगिंग सिमिलर रही है तो आई जस्ट फील अ मोर ऑफ अ कनेक्शन वहाँ पे. जैसे अगर इफ शी इज बीन फ्रॉम सम ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली या फिर वो बोर्डिंग स्कूल से है तो वहाँ पे मेरा कनेक्शन बढ़ जाता है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन विच यू कैन फिगर आउट तुम्हें स्क्रीन कैसे करना है तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज है जो फिगर आउट करनी है. वन गुड वे एक एक्सरसाइज जो तुम कर सकते हो बिफोर एवरीथिंग एल्स इज यू फिगर आउट व्हाट इज योर आइडियल गर्ल. होपफुली अगर तुमने थोड़ा बहुत डेट करा है तो तुम्हें समझ आ जाएगा और अगर तुमने डेट नहीं करा है तो ये तुम्हारी आइडियल गर्ल सॉर्ट ऑफ यू नो चेंज भी हो जाएगी बिकॉज तुम्हारा डेटिंग एक्सपीरियंस तुम्हें बताता है और इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता है एंड जो चीजें तुम्हें लगती है ना मुझे एक लड़की में पसंद होने वाली है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही तुम्हें पसंद होती है. ठीक है और जो चीजें तुम्हें लगता है मेरे को बहुत पसंद होंगी मे बी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. जैसे व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग आई मीन शुरू में यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमेजिंग लुक्स एंड वो बॉडी अमेजिंग होनी चाहिए ये वो वगैरह सारा आउटसाइड चीज है. बट व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग तब तुम ज्यादा इमोशनल क्वालिटीज पे चले जाते हो मोर ऑफ क्वालिटेटिव थिंग्स ऑलराइट मोर नॉट लाइक सर्फेस लेवल बट डीप लेवल स्टफ पे चले जाते हो. इफ यू कैन थिंक अबाउट लाइक यू नो विद मी जस्ट डू दिस एक्सरसाइज अपने दिमाग में पिक्चर करो तुम्हारी आइडियल गर्ल कैसी होगी और तुम्हारी आइडियल रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए उसमें. डोंट फोकस ऑन द लाइक यू नो द नेटिक रिटीज यार उसको ये पसंद होना चाहिए उसको ये नहीं पसंद होना चाहिए या उसको ऐसे बात करनी चाहिए या उसको ये स्पेसिफिक चीज करनी चाहिए. लाइक डोंट गो इनटू द स्पेसिफिक आल्सो गो इनटू द पर्सनालिटी मोर सो गो इनटू द ट्रेट्स ऑलराइट. कि जैसे आई वांट समवन टू बी यू नो इमोशनली मैच्योर. इमोशनली मैच्योर का मतलब कि यू नो जो मेरे साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए या फिर आई वांट समवन हु अंडरस्टैंड्स. आई वांट समवन जिसके साथ मैं अपनी इमोशनल चीजें शेयर कर सकूं एंड वो सुने वहां पे. लाइक ऐसी छोटी छोटी क्वालिटीज दैट यू लाइक. ऑफकोर्स उसमें वहां पे फिजिकल ट्रेट्स वगैरह भी तुम देख सकते हो ताकि जब तुम अप्रोच कर रहे हो तुम बात कर रहे हो यू कैन सी कि ऑलराइट दिस इज द गर्ल दैट आई एम गोना रियली गेट अलोंग विद. सो तुम उस बात पे पहले स्क्रीन करके तुम अप्रोच करते हो. अप्रोच करने के बाद यू फाइंड आउट मोर थिंग्स एंड देन यू सी कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं. लाइक वन थिंग विच आई फाउंड आउट लाइक आई कैन नेवर डेट समवन और बी विद समवन इज इफ दे स्मोक. ऑलराइट वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज इफ देयर स्मोकिंग इफ यू गोइंग आउट एंड पार्टी कर रहे हैं दैट्स फाइन. बट अगर मैं सोके उठ रहा हूँ हम रात को सोए हैं साथ में और मैं सुबह उठ रहा हूँ एंड आई वेक अप टू द स्मेल ऑफ स्मोक आई रियली कांट डू दैट. वो मेरे से सुबह बिल्कुल ही नहीं होता है. ऑलराइट सो दैट्स वन थिंग दैट आई फिगर्ड आउट कि मेरे से नहीं होता है. सो ऐसी चीजें तुम अपने लिए फिगर आउट कर सकते हो एंड देन रादर देन यू नो गिविंग ऑल ऑफ द भाव शुरू में लड़की को चेज करने के पीछे पड़े हो कि यार ये मिल जाए तुम उस सेंस में आते हो कि यार ये बंदी ठीक लग रही है बट आई वांट टू फिगर आउट मोर अबाउट हर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायर सेलर डायनेमिक दैट यू कम इन एज द बायर नॉट द सेलर. ऑलराइट इसके ऊपर एक वीडियो करी है मैंने यहाँ पे चेक करो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट आई हैव डन जो तुम्हारा माइंडसेट सॉर्ट करेगी बहुत ही अच्छे तरीके से. पॉइंट नंबर टू इज डोंट वैलिडेट हर. और ये चीज ना समझने में मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ वाइब थिंग रादर देन इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम क्या बोल रहे हो कैसे कर रहे हो. डोंट वैलिडेट हर का मतलब होता है कि उसको ना उतना भाव मत दो कि वो एक पोजिशन पे आ जाए जहाँ उसको ये मिल जाए कि यार इस लड़के से जितना मुझे अटेंशन वैलिडेशन चाहिए था सारा मुझे मिल चुका है और अब इसके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं एंड आई जस्ट हैव दैट गाय. मतलब उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि यार वो कुछ भी करे या तुम कुछ भी करो तुम तो वहां पे हो ही उसके लिए तो तुम इतना भाव दे दो कि यार यू आर अमेजिंग मैं तुम्हारी वेट कर रहा था तुम ही बहुत अमेजिंग हो. ये चीजें यू नीड टू होल्ड ऑफ टिल यू स्टार्ट डेटिंग हर. ऑलराइट लोग क्या करते हैं लोग शुरू में ही करते हैं एंड ये मेजरली उस पोजीशन से आता है कि हम खुद अपने अंदर से इमोशनली एम्प्टी हैं और हमें खुद कभी अटेंशन मिला नहीं है वैलिडेशन मिला नहीं है ना ही हमने कभी किसी के ऊपर वो दिया है. सो जब हम किसी लड़की से मिलते हैं ऑलराइट एंड दिस कुड गो इनटू अ डीप मदर वुंड बचपन में जो हमारा ट्रॉमा फ्रॉम द मदर है मे बी मदर की साइड से अटेंशन नहीं है मे बी वी वर अबैंडन्ड मे बी वी ग्रू अप विदाउट अ मदर या मे बी आवर मदर वाजंट एज लविंग. और इसे अब जब हम किसी भी लड़की से मिलते हैं ठीक है जो हमें लगता है कि वो हमारा वो वुंड फिल कर सके जिसकी वो सिमिलैरिटीज है मे बी शी वेरी सिमिलर टू शी हैज सम क्वालिटीज विच इज सिमिलर टू मदर और शी हैज सम क्वालिटीज जो हमें लगता है ये यार मेरी लाइफ में मिसिंग है. तो जब हमें वो क्वालिटीज देखते हैं हम सारी चीजें भूल जाते हैं और हम एकदम डेस्परेट एकदम नीडी से मोड में चले जाते हैं और वहां पे उसको वैलिडेट करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं. अगर तुम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो शुरू में और तुम वैलिडेट ना करो सामने वाले बंदे को इतने भाव ना दो कि तुम एकदम ही तुम्हें वही बंदी चाहिए उसको ये ना फील कराओ कि तुम्हारी लाइफ एकदम बकवास है पर जब वो लाइफ में आ जाएगी तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी होने वाली है ये फील ना कराओ और इसको बस होल्ड ऑफ करो टिल द टाइम यू स्टार्ट डेटिंग हर. इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है तुम वो चेजिंग वाला डायनेमिक बेटर कर सकते हो वहां पे. चेजिंग के ऊपर एक और वीडियो मैंने लास्ट मंथ बनाई थी विच वॉज मोर अबाउट यू नो इन डेप्थ स्टफ ऑन द स्ट्रेटजी एंड एंड चेजिंग ये वाला सेम सिमिलर डायनेमिक था. ये वीडियो में हम थोड़ा टैक्टिक्स कवर कर रहे हैं यू शुड डेफिनेटली वॉच आउट दैट वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वन बेटर एज वेल. और पॉइंट नंबर थ्री पे आ जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट केस बी द फर्स्ट वन टू पुल बैक. तुम किसी लड़की से मिल रहे हो तुम डेट पे गए हुए हो तुम बातें बातें कर रहे हो सब कुछ सही चल रहा है थोड़ी बहुत टचिंग वहाँ पे हो रही है यू लॉक आईज यू सी things change aspas thoda sa theek hai and you look at her lips she looks at your lips you start going in she closes her eyes and you go in for the kiss. ab yahan pe when you're kissing
लड़कों को लगता है कि यार मेरी फर्स्ट किस हो रही है यहाँ पे, पहली बार मैं लड़की को किस कर रहा हूँ, आज तक कोई लड़की को मैंने किस किया नहीं है, या फिर बड़े दिन बाद मेरे को कोई लड़की मिली है किस करने के लिए, तो मैं बस लगा रहता हूँ, वो लगे रहते हैं मतलब ऐसे पकड़े तो लगे ही रहते हैं, और लड़की को धक्का देना पड़ता है पीछे और खुद पीछे होना पड़ता है उसका। व्हाट दिस डज इज दिस मेक्स अ फील कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा अगेन डेस्परेट हो, तो तुम्हें अपनी डेस्परेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, व्हेन यू गो इन एज अ रूल ऑफ थंब व्हाट यू डू इज जब तुम किस कर रहे हो, दो या तीन पैक्स एंड देन पुल बैक, बी द फर्स्ट वन टू पुल बैक टू एन एक्सटेंट दैट यू लीव हर हैंगिंग, कि जब तुम पुल बैक कर रहे हो सीधा कहाँ है, एंड दैट क्रिएट्स एन इमोशन इनसाइड कि आई वांट मोर ऑफ दिस एंड हाउ इज दिस गाय नॉट वांटिंग टू किस मी, एंड शी फील्स लाइक यार मैं तो इतनी अमेजिंग सी लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं किस करना चाहता है, ठीक है। सो द वे यू डू दिस इज हाउ आई डू इट, ऑलराइट, अब कोई है नहीं यहाँ पे, आई एम जस्ट गोना डेमोंस्ट्रेट यू विद दिस पाम ऑफ माई हैंड, सो जैसे व्हेन आई एम गोइंग इनटू द किस आई गो लाइक एंड देन आई पुल बैक, when I pull back the girl talks ऐसे करके, ठीक है, एंड यू वॉन्ट दैट टू हैपन, यू वॉन्ट अ शो दैट कि तुम डेस्परेट नहीं हो, यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन पुल बैक, ऑलराइट, एंड इसके साथ इवन बेटर यू कैन एड ऑन बाय द एंड इज लाइक टेक इट स्लो, वी विल हैव इनफ टाइम टू डू इट, ऑलराइट, एंड विद दिस स्मग ऑन योर फेस बहुत फकिंग एपिक होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। वहां से अगर तुम्हें ऐसा होता है ना कि तुम हमेशा लड़की को मे बी तुम किसिंग स्टेज तक चले जाते हो बट उसके बाद वो रिप्लाई नहीं करती है या वो चली जाती है या फिर वो यू नो भाव नहीं देती है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज तुम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो और तुम बस मेकआउट पे ही फोकस करते रहते हो, ठीक है। सॉर्ट दिस आउट, यू हैव एन अमेजिंग टाइम। पॉइंट नंबर 4, हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्लर्ट टू टीज, मतलब थोड़ा सा पुश थोड़ा सा पुल होना चाहिए, ठीक है। इट कुड बी लाइक आई नो यू लव मी बट इट्स ओके, आई एम सॉरी आई कांट मैरी यू, यार ऐसा नहीं होने वाला, हमारे मेरे घर वाले अप्रूव नहीं करेंगे, या यू कुड बी लाइक आई लव यू बट आई कांट मैरी यू, आई एम सॉरी, ठीक है, लाइक यू नो यू अमेजिंग बट आई रियली कांट मैरी यू, सो एनी ऑफ दिस हॉट कोल्ड स्टफ की, ठीक है, लाइक लड़की को बोलना यू सो अमेजिंग लेट्स गो गेट मैरिड, ऑलराइट, 5 मिनट बाद उसको बोलना कि यूर क्रेजी, लाइक यू नो उसने कुछ ऐसी सी चीज करी है जहां पे तुम नोटिस करते हो कि यू नो शी बीइंग ब्रैटी या फिर वो कुछ चीज करी है विच इज इंट वेरी अनइम्प्रेसिव, तो तुम मजाक में कहते हो उसको कि नहीं आई एम गोना डिवोर्स यू, इट्स डन, आई एम गोना कीप द हाउस, आई एम गोना कीप द डॉग, डन, आई कांट इवन कीप यू, ऑलराइट, ऐसे करके, सो दैट क्रिएट्स दैट हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट, और उससे शी इज गोना स्टार्ट चेजिंग मोर, सेइंग समथिंग लाइक आई नो यू लव मी, इट्स ओके आई नो, कोई नहीं होता है, एवरीवन लव्स मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई एम सॉरी यार आई कांट मैरी यू, मैं नहीं कर सकता हूँ रियली, माय घर वाले अप्रूव नहीं करेंगे, हमारे कास्ट ही एकदम अलग है यार, ये नहीं हो सकता, सॉरी आई लव माय मॉम, आई रियली कांट डू इट, व्हेन शी डज समथिंग अमेजिंग यू कैन बी लाइक यार I absolutely love you. ये सब छोड़ छाड़ के गोवा चलते हैं, दुनिया वुनिया बेकार है, तुम और मैं साथ रहेंगे, बीच पे शैक पैक ओपन करेंगे, दिन में काम वाम करेंगे, रात में चिल करेंगे, बीच पे सोएंगे, एंड बस वही जिंदगी, that's all I want in life. ओके, तो तुम्हारी फ्लर्टिंग फेज में तुम ये कर रहे हो, 4-5 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद, व्हेन शी डज समथिंग ब्रैटी या कुछ ऐसी अनइम्प्रेसिव सी वो चीज करती है, यू कैन बी लाइक नहीं आई एम डन आई एम डिवोर्सिंग यू, मैं डिवोर्स कर रहा हूँ तुम्हें, मैं कुत्ता भी रखने वाला हूँ, शैक भी रखने वाला हूँ, आई एम गोना कीप द हाउस, आई एम गोना कीप एवरीथिंग, आई कांट स्टे विद यू, ऑलराइट, नथिंग। तो ये हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट जो ये आता है यहाँ पे, ये जो फ्लर्ट करते हो फिर तुम टीज करते हो, ये जो इफेक्ट यहाँ पे आता है, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंशन, और इसके बारे में तुम हाउ टू फ्लर्ट वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत अमेजिंग होने वाली है, उसमें देखो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग videos, it's already 80,000 views. There's another video, how to build sexual tension, that we did. Watch that one as well for more on this. पॉइंट नंबर 5 इज यू कैन स्विच योर बॉडी लैंग्वेज, और ये तुमने देखा होगा मुझे करते हुए अभी भी, जब भी मैं कोई पुश पुल की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, आई एम जस्ट लाइक नो यू नो वो किसिंग वाले एग्जांपल में, आई एम लाइक यू नो रिलैक्स थोड़ा सा, ठीक है, यू कैन सी आई एम लीनिंग बैक, मैं थोड़ा सा ऐसे आराम से बैठा हुआ हूँ, दिस गिव्स अ स्पेस टू चेस, इवन इन द एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था कि आई लव यू और फिर उसके बाद आता है कि आई एम गोना डिवोर्स यू, उसमें भी आई एम लीनिंग बैक स्लाइटली, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा किया, सो व्हेन यू कैन लीन बैक स्लाइटली, मे बी लुक एट द साइड, बी लाइक नहीं नहीं प्लीज नो नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, एंड यू डू दिस यू गोना नोटिस कि वो लड़कियां चेज कर रही हैं तुम्हें, तुम्हारे कपड़े ऐसे टी शर्ट पकड़ के खींचेंगे, मेरे को बहुत बारी लड़कियों ने खींचा है, चेन पकड़ के मेरे को खींचा है कई बारी लड़कियों ने, एंड दिस हैपेंस, बहुत एक अमेजिंग सी फीलिंग होती है, बट एक बात याद रखना, डोंट गेट स्टक इन दिस फीलिंग, यही वाली फीलिंग तुम्हें चाहिए कि अब लड़कियां चेज कर रही हैं, इससे मैंने इतने इंटरेक्शन अपने खराब करे हैं कि मैं यही करता रहता हूँ बार बार, यू वांट टू बाय द एंड ऑफ इट यू नो बी इंटरेस्टेड इन हर, शो हर दैट यू आर इंटरेस्टेड, सो व्हेन यू आर गोइंग बैक लाइक देन शी इज चेजिंग यू, यू नो व्हेन यू वांट टू कम बैक आल्सो राइट, यू वांट टू बी लाइक एक्चुअली यू नो यू आर अमेजिंग, ठीक है, थोड़ी देर बाद, एक दो मिनट बाद, तो वो थोड़ा सा तुम्हें वैलिडेट करना है, बट एकदम ओवर वैलिडेट नहीं करना है। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्विचिंग बॉडी लैंग्वेज वाला, कि जब मुझे लगता है ना कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही है मुझे, या वो ज्यादा भाव नहीं दे रही है, वो बात कर रही है बट आई फील कि उसको बहुत ज्यादा लोग भाव देते हैं, एंड वो मेरे को मतलब अभी के पॉइंट पे इतना ज्यादा मेरी पर्सनालिटी क्योंकि मैंने डिस्प्ले नहीं करी है, वो अमेजिंग नहीं समझ रही है मेरे को, तो मैं आसपास देखने लग जाऊंगा, मैं देखूँ कोई लोग हो गए ऐसे वैसे देखूंगा, आई एम गोना हैव अ स्टिल टॉक, ऐसे वैसे देखूंगा और वो बोल देगी, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे यू नो वो चुप हो जाएगी, शी इज गोना नोटिस कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, एंड उसको ऐसा फील होएगा कि यार ये बंदा सुन नहीं रहा है मेरी बात, एंड वो चुप हो जाएगी, राइट, इट जस्ट मेक्स अ फील
ki who the fuck is this guy. So at that point in time I'm going to be like what sorry I'm so sorry I got distracted, you were saying something, yeah batao theek hai. Aur wo ek chota sa ye instance, you will see the power dynamic shift from itne chote se instance mein. Another thing that I do is like, you know, wo baat kar rahi hai and I take my phone out, I'm just like haha, yep okay cool, yep yeah, one second 8 seconds, hello, haan bhai, haan of course ye light on nahi honi chahiye, koi phone aa jaye nahi to fir tum text kar do, matlab zaruri nahi ki tumhe phone hi aana chahiye, you can just be like okay one second let me reply, okay yeah you were saying haan okay cool theek hai sahi hai haan I know I understand bahut sahi. ठीक है, सो अब बात करते हुए मैं उतना ईगर नहीं लग रहा हूँ. शी कुड बी द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय, सारे लड़के उसके पीछे पागल होंगे, बट एक ये छोटा सा वैक्यूम जो मैं वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ना, दैट शिफ्ट्स द पावर डायनामिक हेवीली मेरे फेवर में एंड एक लेवल पे शी इज गोना स्टार्ट चेजिंग एंड दैट्स ऑल यू वॉन्ट. यू डोंट वॉन्ट कि यार वो लड़की तुम्हें पूरे टाइम ही चेज करती रहे और तुम बिल्कुल भी भाव ना दो, बिकॉज इवेंचुअली तुम्हें भाव देने होंगे. एंड चेजिंग इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे तुम बस अपनी वैल्यू डेमोस्ट्रेट करने के लिए, अपनी वैल्यू एस्टैब्लिश करने के लिए, इट्स मोर देन इनफ, बट इट्स नॉट समथिंग जो मेरे को हमेशा ही चाहिए होता है किसी से बात करते हुए, या मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा रेकमेंड नहीं करता हूँ. एक लड़की तुम्हें बस तभी अट्रैक्टेड है जब वो चेज कर रही है. यू कैन बी एट अ इक्वल डायनामिक ऑल्सो एंड दैट्स फाइन एंड दैट्स व्हाट वी वांट. हमेशा हमें ना एक इक्वल डायनामिक पे चाहिए. हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे नीचे और उसके पास पावर ज्यादा है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है उसकी पावर कम है, बिकॉज ऑफ रिलेटेबिलिटी फैक्टर हट जाता है. वी वॉन्ट रिलेट टू हर ऑल्सो कि ऑन एन इक्वल लेवल, थोड़ी सी अगर पावर हमारे पास ज्यादा है, थोड़ी सी उसके पास ज्यादा, इट डज नॉट रियली मैटर. Right, because over the longer period of time tum saath mein reh rahe ho, a better mindset is to come with a collaborative frame rather than meko power games khelne hai. Collaborative frame mein ki yaar hum dono saath mein kuch cheez bana rahe hain, we're laying the foundation of it right now definitely, but shuru ke phase mein jahan pe tum ladki se mil rahe ho, wahan pe she doesn't know you, she doesn't like you as much, isliye wahan pe thode se ye cheeze chasing and all of this stuff and flirting and bantering and teasing, wo jo chase mein maza aata hai wo thoda sa create karna इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हें. ठीक है, इसलिए लड़कियां भी वहां पे हार्ड टू गेट रहती हैं, बट वंस यू गेट द गर्ल आफ्टर दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे डिसॉल्व. उस टाइम पे ये चेजिंग गेम्स प्लीज अपनी लाइफ से हटा देना एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू लीव यू गाइस विद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ऑलराइट, इफ यू गाइस लाइक द वीडियो यार गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन हिट करो, थैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट, और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में. दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ, पीस.